गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के गांव में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। देखिए, हमने जो अभी आपको बात बताई गांव में एक महीने में 30 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अस्पतालों में मरीजों के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं है। ग्रामीणों की शिकायत है कि कोविड केंद्र में वहां कोई सुविधा नहीं है। इलाज न मिलने से मरीजों की मौत हो रही है। मोहित भट्ट हमारे साथ जुड़े राजकोट से। मोहित, क्या जानकारी है इस बारे में? सौराष्ट्र में जो कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो अभी तक सबसे खराब स्थिति है वो ग्रामीण इलाकों की है, जो गांव में संक्रमण बढ़ रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा बात ये सामने आ रही है कि गांव में जो आरोग्य की सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, उसके कारण लोगों की मौत भी बढ़ रही है। सौराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एक गाँव में 30 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी परेशान की बात यह है कि शहरी इलाके जो मेट्रो सिटी है, राजकोट हो, जूनागढ़ हो, भावनगर हो, ये जो इलाके हैं यहाँ पे भी बेड अवेलेबल नहीं है। पूरी जो मेडिसिन है, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, वो उपलब्ध नहीं है। उसके कारण लोगों की मौत बढ़ रही है। और ग्रामीण इलाके से लोग अगर शहरी विस्तार में अभी मेडिकल सुविधा के लिए आए तो उसे पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही, इसके कारण ये मौत बढ़ रहा है। और ये ग्रामीण इलाके जो भी है वहां पे लोगों का संक्रमण भी बढ़ रहा है और वहां पे मौत के आंकड़े भी यहां सामने आ रहे हैं। गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों में संक्रमण कम करने तो के लिए सब जगह पे गुजरात का हाल नहीं है। आप उत्तर प्रदेश आइए, बिहार आइए, महाराष्ट्र आइए, मध्य प्रदेश आइए, कई जगहों से गांवों से बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। लेकिन ये बताइए, सरकार की तरफ से कोई एक कदम गांवों में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए, स्पेसिफिक गांवों के लिए? अभी तक जो गुजरात सरकार है उन्होंने सभी गांवों में कोविड केयर सेंटर शुरू करने की बात की है। एक तारीख से सभी गांवों में मेरा ग्राम गांव कोरोना मुक्त गांव ऐसा अभियान एक शुरू किया गया है और सभी जगह पे जो बेड्स है, आइसोलेशन वार्ड है, वो शुरू करने की बात की है। लेकिन इसमें भी यह दिक्कत सामने आ रही है, जब जो भी सरपंच है वो कह रहे हैं कि सिर्फ बेड बढ़ाने से क्या होगा, उसके लिए जो पर्याप्त प्रमाण में जो मेडिसिन चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए, वो सरकार नहीं दे रही है। उसके कारण ये संक्रमण बढ़ सकता है। अगर आइसोलेशन वार्ड में किसी पेशेंट को एडमिट किया जाएगा तमाम जानकारियों के लिए आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि यहाँ पर देखिए अच्छी जानकारी इसको इस सिलसिले में कह सकते हैं कि अलार्मिंग है, ये आई ओपनर है कि आप बेड बढ़ाने से क्या होगा अगर वहाँ पर सुविधाएं नहीं है तो। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।